उत्तर प्रदेश के चर्चित हाथरस कांड में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। अब इस मामले में आरोपियों के साथ साथ पीड़ित पक्ष का भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। सरकार ने इस बात का फरमान एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिलने के बाद जारी किया है। और यही नहीं, हाथरस के पुलिस अधीक्षक, एक डीएसपी और संबंधित थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए एक प्रेस नोट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई है। और इधर हाथरस में प्रशासन ने सरकार मीडिया को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद मीडिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़िता की भाभी ने कई खुलासे यहां पर किए हैं। पीड़िता की भाभी ने कहा है कि एसआईटी की टीम परसों उनके घर आई थी और उनसे पूछताछ की गई थी। पीड़िता के परिवार ने यह भी कहा कि जिले के डीएम ने उनसे अभद्रता से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि डीएम ने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी की कोरोना से मौत हो जाती तो तुम्हें मुआवजा मिल जाता। वहीं पीड़िता की मां और भाभी की एक ही मांग है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार पर हाथरस पीड़िता के परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पीड़ित परिवार के नार्को टेस्ट से जुड़ी खबरों पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही है कि उनका नार्को टेस्ट होगा, देश को ये व्यवहार मंजूर नहीं है। हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और साथ ही महासचिव प्रियंका गांधी दो दिन पहले ही पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए हाथरस के लिए निकले थे और तब पुलिस ने दोनों को ग्रेटर नोएडा के परी चौक में रोक लिया था और वापस दिल्ली भेज दिया था। राहुल गांधी आज फिर हाथरस के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी ने हाथरस जाने का ऐलान करते हुए कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से कर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि इस प्यारी बच्ची और उसके परिवार के साथ यूपी सरकार और उसकी पुलिस की ओर से किया जा रहा व्यवहार मुझे स्वीकार नहीं है। किसी भी हिंदुस्तानी को यह स्वीकार नहीं करना चाहिए। और बताया यह भी जा रहा है कि दोपहर के समय हाथरस के लिए राहुल गांधी निकलेंगे, उनके साथ कांग्रेस सांसदों का एक दल भी जाएगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये प्रतिनिधि मंडल पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा करेगा। ये जो पूरा मामला सामने आया है, इसके बाद पूरा देश स्तब्ध है और जिस तरीके से वहां पर जो अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन अभी भी जो पीड़ित परिवार है उसका यही कहना है कि इंसाफ हमें मिलना चाहिए। इंसाफ के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट की मांग उन्हें नहीं है, मुआवजा उन्हें नहीं चाहिए है। पीड़िता की मां और पीड़िता की भाभी लगातार मीडिया से वहां पर मुखातिब हो रही है। आज मीडिया को जाने की अनुमति मिल गई और साथ ही वहां पर काफी तमाम तरह की चीजें नई निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रही है जो वाकई चौंका देने वाली हैं। आज से दो दिन पहले यानी कि परसों के दिन जब ये कहा जा रहा था, पुलिस के अधिकारियों ने वहां पे उनके आसपास के जो लोग थे साथ ही उनके रिश्तेदार थे उनको जाने से भी रोका था ये कहकर कि एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है, लेकिन आज जो खुलासा हुआ उसमें ये बात सामने आ रही है कि एसआईटी की टीम तो वहां पर पूछताछ के लिए गई ही नहीं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार जब जाने की पहले भी उन्होंने कोशिश की तो पुलिस के द्वारा उन्हें रोक लिया गया था, वापस दिल्ली भेज दिया गया था, लेकिन आज फिर से कूच करेंगे। सांसदों के साथ ये पूरा प्रतिनिधिमंडल जाएगा राहुल गांधी के साथ और साथ ही राहुल गांधी ने ये कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें पीड़िता के परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती है। ये नई बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। आज दोपहर बाद हाथरस के लिए निकलेंगे राहुल गांधी, ये बताया जा रहा है। और गौरतलब ये भी है कि जिस तरीके का पूरा माहौल वहां पर बना हुआ है
जब ये घटना पेश आई उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। सिर्फ हाथरस में ही नहीं, सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसके खिलाफ लगातार मुखर होकर आवाज उठाई जा रही है। लेकिन ये आवाज आखिर वहां तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती जहां से पीड़ित परिवार जो है उसे इंसाफ की उम्मीद है। बार बार पीड़ित परिवार की ओर से यही कहा जा रहा है। हालांकि एक बड़ा ऐलान ये भी किया गया है, आदेश दिया गया है कि जो पुलिसकर्मी थे और साथ ही जो पीड़ित परिवार है उनका नार्को टेस्ट अब किया जाएगा। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं पीड़ित परिवार की ओर से, उनके ओर से अभी भी यही कहा जा रहा है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, ज्यादती हुई है, हम क्यों नार्को टेस्ट करवाएं, ये उनकी ओर से कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर वो राजी होते हैं नार्को टेस्ट के लिए या फिर नहीं, क्योंकि इस पूरी गुत्थी को सुलझाना अब बहुत जरूरी हो चला है। पूरे देश में एक ही बात फिलहाल गूंज रही है कि उस पीड़िता को न्याय आखिर कब मिलेगा, इंसाफ आखिर कब मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता अमरीश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, ताजा अपडेट बताएं पूरे मामले में। देखिए, राहुल गांधी भी आज आएंगे वहां पर और लगातार राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है, आज तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उन्हें हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने से। जी बिल्कुल, राहुल गांधी अपने कुछ सांसदों के साथ पहुंचेंगे। प्यारी बच्ची और उसके परिवार के साथ झूठी सरकार और उसकी पुलिस द्वारा किया जा रहा व्यवहार कोई स्वीकार नहीं कर सके, तो एक ट्वीट ऐसा है उन्होंने। और जाने से पहले उन्होंने एक ये भी चीज साफ की कि आज उसको कोई नहीं रोक सकता। बात उन्होंने निकले थे लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उसको रोक दिया। तो ये तो आज कितनी और पीड़ित परिवार से मिलेंगे, पीड़ित परिवार पूरे घटना की जानकारी लेंगे, अभी तक घटनाक्रम अधिकारियों से पूछेंगे के अलावा थोड़े मीडिया को भी अभी तक कुछ देर पहले अंदर जाने के आगे, लेकिन क्योंकि धारा पांच मीडिया कहीं एक बार में उन घटना स्थल पर परिवार के पास जाकर मिल सकेंगे। रही बात राहुल गांधी की, तो अपने कुछ सांसदों के साथ पहुंच तो रहे हैं, लेकिन बात यह है बड़ी कि क्या वो पहुंच पाएंगे वहां या फिर उससे दो दिन पूर्व की तरह ही आज भी उनको रास्ते में ही रोक लिया जाएगा या गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमरीश, देखिए, मीडिया को अनुमति क्योंकि मिल गई है, आप वहां पर पहुंचे, बातचीत आपने करी, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है पीड़ित परिवार का पक्ष जान लेना। लगातार उनका यही कहना है कि हम सच कह रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम क्यों आखिर नार्को टेस्ट करवाएं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, जो पीड़ित है वो नार्को टेस्ट आएगा तो क्या इससे पहले जो एक जो पीड़ित लड़की की जिसकी जो अभी दुनिया में नहीं है, क्या उसका बयान मायने नहीं रखता? जो इस दुनिया से तड़प तड़प कर मर गया, जो इस दुनिया से चला गया, क्या उसका बयान मायने नहीं रखता है? नार्को टेस्ट ही क्या सारे प्रमाण होंगे? इसके अलावा खैर, सीएम ऑफिस ने इन दोनों बड़े अधिकारियों को जो भेजा है, हितेश चंद्र अवस्थी को और अवनीश अवस्थी गृह सचिव को, तो दोनों अधिकारी पहुंच कर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और हो सकता हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार को विपक्ष चौथाओं में है विपक्ष पार्टियों से और सभी ने, प्रियंका गांधी ने भी और मायावती जी ने भी ट्वीट करके योगी जी को इस्तीफा दे देने की मांग की है। फिलहाल एक बड़ा उत्तर हर पीड़ित परिवार जो है उसका नार्को टेस्ट होगा, लेकिन एसआईटी जांच जो एक हफ्ते के अंदर है वो बड़ा प्रमाण की वो बड़ा एक रूप लेगी पूरे घटनाचक्र पर जब एसआईटी भी अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अमरीश, देखिए, आज तो मीडिया को भी अनुमति मिल गई है उनसे मिलने के लिए, साथ ही जो रिश्तेदार हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं उन परिजनों से पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए, लेकिन पिछले दो दिन से जो ज्यादती उनके साथ में देखने को मिली, उनका तो ये कहना है कि खाने के लिए भी उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा आखिर? देखिए बिल्कुल, सवाल यहाँ पे ये है कि मीडिया के पास किस तरह की जानकारी आ रही, अधिकारी जिस तरह की जानकारी दे रहे थे दोनों ही तरह की जानकारी थी, लेकिन जब आज मीडिया परिवार के पास जाएगी, जब हम सभी वहां पे पहुंचेंगे, तो परिवार वालों का सामने से अब आकर कहना ये बड़ा मुद्दा है मनीषा, क्योंकि परिवार वालों का बयान जब तक और कैमरा रिकॉर्ड नहीं होगा तब
सवाल है, क्योंकि अभी तक मीडिया की भी यही मांग थी कि एसआईटी जांच हो रही है, हम एसआईटी जांच बाद अगर पीड़ित परिवार का एक भी सदस्य ये कह देता है एसआईटी जांच के बाद आप रिपोर्ट प्रस्तुत कर दोगे सीएम योगी को, लेकिन सीएम योगी को जब के बाद अगर पीड़ित परिवार ये कह देता है कि हमसे जबरदस्ती ये बयान लिया गया है, क्या तब वो एसआईटी जांच की जो भी अभी तक जांच है क्या उस पर कोई भी विश्वास कर सकेगा? इसीलिए मीडिया अभी तक सिर्फ ये कह रही थी कि जो बिल्कुल अमरीश बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। देखिए मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है, अलग अलग तर्क निकलकर सामने आ रहे हैं, आखिर कौन सा तर्क सच है, लेकिन वाकई जो हुआ है वो हतप्रभ करने वाला है और लगातार कवायद अब शुरू हो चुकी है कि इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाएगा और जो ज्यादती हुई है उसका बदला यहां पर लिया जाएगा, उसके बदले में यहां पर इंसाफ मिलेगा।